होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। काम तो तुम्हें करना होगा, करना होगा, करना होगा। बिजली मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये धरना पिछले तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और जो किसानों की बड़े लंबे समय से मांग थी, जो बिजली के नलकूपों को कनेक्शन नहीं मिल रहा था, उसके समर्थन में भवन निर्माण के साथ यानी हमें समर्थन दिया है धरने का। और जब तक ये हल नहीं होगा, कनेक्शन नहीं लगेंगे किसानों के खेतों के अंदर, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और आज 1 बजे तक इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद में हम गेट भी घेरने का प्रयास करेंगे भी, क्योंकि किसानों के साथ इस तरह से बर्बरता हो रही है। पिछले 5 सालों से इन्होंने सिक्योरिटी भर रखी है, सारे पैसे भर रखे हैं, केवल ठेकेदारों को तार जोड़ना है, इसमें भी ये विलंब कर रहे हैं और बार बार चक्कर कटाए जा रहे हैं। और हमें तो ये लगता है भी ये कहीं न कहीं किसानों को परेशान करके पैसे ऐंठने का भी इनका प्रोग्राम हो सकता है ठेकेदारों का। और जो तार है, देखो बच्चे बोल रहे हैं, यही है, आज तो मैं अकेली आई हूँ और कल से हम, अगर नहीं हुआ हमारा काम तो कल से हम सारी बस्ती की जो औरतें हैं अब सभी है यहाँ पे धरना देंगे। गाँव चौटाला, आज लगातार हम तमाम किसान साथी बिजली घर चौटाला में 3 दिन से धरने के ऊपर है और आज 1 बजे का समय दिया है। अगर 1 बजे तक हमारी जो तमाम 8 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों का हल नहीं हुआ, 1 बजे इस बिजली घर का गेट बंद करेंगे और जो तमाम जो अंदर कर्मचारी होंगे उन तमाम कर्मचारियों को बंधक बनाएंगे। किसानों की सीधी सी मांग है, जो ट्यूबवेल के कनेक्शन, जो किसानों की फाइलें लगी हुई है, 5-5, 10-10 साल से फाइलें लगी हुई है, जो ट्यूबवेल खेत के अंदर लगाए थे वो बोर खराब हो चुके हैं, वो बोर चौक हो चुके हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे गांव चौटाला के माननीय बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी है, लेकिन हमारे किसानों के ट्यूबवेलों के वहां पर बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे। सारे के सारे पूरे डबाड़ी क्षेत्र में तमाम जो बिजली की तारें हैं वो जमीन को छू रही है। कभी भी खेत के अंदर किसानों की मौत हो सकती है, आने वाले समय के अंदर गेहूं की फसल पकाओ पर है, कहीं भी आग लग सकती है। ऐसी हमारी 8 मांगे हैं, उन तमाम मांगों पर हम ये चेतावनी देना चाहते हैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से, अगर आज बिजली विभाग ने 1 बजे तक नहीं हमारी मांगों का हल किया, हम गेट को बंद करके तमाम कर्मचारियों को अंदर बंद करेंगे और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा।